दोस्तों, धोनी की दीवानगी अभी भी कायम है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है जब हैदराबाद के खिलाफ मैच में धोनी टॉस करने के लिए मैदान पर उतरे। दर्शकों ने पूरे जोश के साथ धोनी का स्वागत किया। धोनी को चेन्नई प्रबंधन ने रविंद्र जडेजा की जगह दोबारा कप्तान बना दिया है। ऐसे में धोनी ने इस मैच में फिर से अपना जलवा दिखाते हुए अपनी टीम को जितवा दिया। दरअसल मैच जब खत्म हुआ तो एक मजेदार घटनाक्रम हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजी कोच डेल स्टेन धोनी के पास आए और उनसे अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी मांगा। धोनी ने भी बिना हिचक दिखाए ऑटोग्राफ दिया। घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई। फैंस ने लिखा, धोनी के दीवानों में दिग्गज क्रिकेटरों के नाम हमेशा रहेंगे। मैच के दौरान धोनी चेन्नई सुपर किंग को लेकर दिए अपने एक बयान को लेकर भी चर्चा में आए। धोनी जब पुणे के मैदान पर टॉस के लिए आए तो उन्होंने संकेत दिया कि वो भविष्य में भी पीली जर्सी में ही दिखाई देंगे। धोनी ने कहा, आप मुझे पीली जर्सी में जरूर देखेंगे, चाहे ये पीली जर्सी हो या कोई और पीली जर्सी, ये अलग बात है। वहीं मैच की बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम ने 2 विकेट खोकर 202 रन का स्कोर खड़ा किया। टीम की तरफ से गायकवाड़ ने 57 गेंदों में 6 चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 99 रन की पारी खेली। उनके अलावा ड्वेन कॉनवे भी 55 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 85 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 189 रन ही बना पाने में कामयाब हुई। हैदराबाद के लिए पूरन ने 33 गेंदों में 3 चौक और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 64 रन बनाए। खैर दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।